हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रेगनेंसी टॉक्स विद सिमरन में बहुत 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 स्वागत है। और मैं हूँ आपकी अपनी हूँ सिमरन। तो आज हम बात करेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी बिना थके और बहुत जल्दी आपकी कैसे हो सकती है। तो देखिए, सिजेरियन डिलीवरी होने के पीछे रीजन्स होते हैं। अगर उनमें से आपका एक भी रीज़न नहीं है तब भी आप सिजेरियन डिलीवरी की तरफ ऑप्ट हो रहे हो तो उसके पीछे बहुत सारी वजह होती है। उस वजह पे आज हम बात करेंगे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको इनफर्टिलिटी, पीरियड, प्रेगनेंसी ऐसे बहुत सारे एडवांस टॉपिक मिलेंगे जो आपके और आपके बेबी दोनों के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, तीन रीज़न के कारण जो लेडीज़ होती हैं वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं करवाना चाहती। पहला तो क्या होता है, जिनकी नहीं हो पाती, पहला रीज़न क्या होता है, दर्द का एहसास ज़्यादा करना। तो देखिए, कई महिलाएं दर्द के बारे में ज़्यादातर सोचती हैं, उन्हें घबराहट होती है तो वो सोचती हैं चलो सिजेरियन करवा लेते हैं। बट क्या सिजेरियन में दर्द नहीं होता? होता है, वो उस टाइम तक नहीं होगा जब तक आपकी बॉडी सुन रहेगी, बट बाद में वो उतना ही पेनफुल होगा, आपके लिए ज़्यादा टाइम लगेगा रिकवरी के लिए। तो पहला रीज़न होता है ये। दूसरा, घबराहट से लड़कर भी चली जाती हैं मगर पुश करने का तरीका उनको नहीं आ पाता, वो सही से पुश नहीं कर पाती, जिसकी वजह से बच्चेदानी का मुंह सही से नहीं खुल पाता, तब भी आपकी जो है सिजेरियन डिलीवरी होती है। और तीसरा है, इतना ज़्यादा पुश करती हैं क्योंकि वो थक जाती हैं, क्योंकि आपके अगर पहली डिलीवरी होगी तो आपका जो 10 to 14 hours का लेबर पेन रहेगा, उसके बीच आपको पुश करते रहना होता है। अगर आपकी सेकेंड डिलीवरी है तो 6 से 10 घंटे तक आपका टाइम लगता है। तो कई महिलाएँ जो होती हैं वो इतनी देर तक पुश नहीं कर पाती, जिनकी वजह से उनको सिजेरियन डिलीवरी की तरफ जाना होता है। अब ये तो थी माँ की बात। अगर आप ही पुश नहीं करेंगे तो बच्चे को अंदर से सप्लाई नहीं मिलेगी अगर आप थक जाएंगे तो, और बच्चा भी अंदर से अपने आप को पूरा पुश कर रहा होता है, बाहर आने की कोशिश कर रहा होता है, वो भी अंदर से तड़प रहा होता है, तो आपके साथ साथ आपका बच्चा भी पुश करता है। तो इसमें आपकी ब्रीथिंग एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। तेज़ की सांस लेकर धीरे धीरे सांस छोड़ना, इस एक्सरसाइज से आपके जो बेबी है उसको भी थोड़ी हिम्मत मिलती है और वो भी ईजिली पुश कर पाता है। तो वो एक काम जिसको अगर आप कर लेते हैं तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी इजी होगी, वो है लेमन्स टेक्निक। लेमन्स टेक्निक पहले के ज़माने में बहुत सी औरतें अपनाया करती थी। वो इसलिए अपनाया करती थी क्योंकि पहले के ज़माने में सिजेरियन डिलीवरी इतनी नहीं हुआ करती थी, सब जो है नॉर्मल डिलीवरी ही करवाते थे। तो बहुत सी औरतों को पहले इसके बारे में पता होता था, तो वो 8वें महीने से इस टेक्निक को स्टार्ट कर देती थी। आप चाहो तो अपने टाइम पे भी 8th month से ये एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हो, अगर आपकी सब चीज़ें नॉर्मल जा रही है और आप नॉर्मल डिलीवरी करवाना चाहते हैं। तो अब जान लेते हैं इस टेक्निक में क्या करना होता है। देखिए, टेक्निक में आपको नाक से सांस लेनी होती है। आप सांस लीजिए और ज़ोर से मुंह से छोड़िए। जितनी देर तक आप सांस रोक के रखेंगे मन और एकदम से छोड़ेंगी तो आपके जो ऑर्गन होते हैं वो ज़्यादा काम अच्छे से करने लग जाते हैं, आपके ऑर्गन को रिलैक्स मिलता है, क्योंकि उस टाइम पे मदर के जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है वो होता है स्ट्रेस। तो आपका लेमन्स टेक्निक स्ट्रेस रिमूव करने में हेल्प करती है, आपके ऑर्गन्स को रिलैक्स करने में आपकी हेल्प करती है, और आपकी जो ये लेबर पेन का टाइम होता है 10 to 14 hours तक, वो भी कम होता नज़र आता है। तो आपको जो है अपनी नॉर्मल डिलीवरी के लिए 8th month से लेमन्स टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए। ये एक सिंपल और ईजी वे है जिससे आप बिना थके आपकी नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल ईजी हो जाएगी और आपको जो है सिजेरियन डिलीवरी की तरफ नहीं जाना होगा। तो ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें उनके साथ जिसको इसकी सबसे नीड हो, और साथ साथ में अगर आपको कोई भी इशू आता है उनसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।